बिना टमाटर और बिना प्याज लहसुन के आज हम बहुत ही टेस्टी भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाएंगे। और हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने 7 से 8 आलू को अच्छे से धो करके कुकर में हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगा लिया था। और ये देखिए, आलू हमारे ठंडे हो गए हैं और अब हम इस तरीके से आलू का छिलका निकाल देंगे। यहाँ मैंने छोटे और मीडियम साइज के आलू का यूज़ किया है, आपके पास जैसा अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक एक करके सारे आलू को अच्छे से छील लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने छोटे वाले ओखल का यूज़ किया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया डालेंगे और इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। यहाँ मैंने बिना भुने हुए मसाले का यूज़ किया है। और 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से इस मसाले में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इन सभी मसालों को इसमें अच्छे से दरदरा कूट लेंगे, जिससे इसका बहुत ही बढ़िया दरदरा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे मसाले को अच्छे से कूट करके इसका एक मोटा और दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम ही ओखल में हम 1 टुकड़ा अदरक और 1 हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी हम कूटते हुए इसका मोटा दरदरा पेस्ट बना लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और अब हम सब्जी के लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर का हमने दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर रखा है तो। और अब हम इसमें 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को चम्मच से ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें तीखे के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप तीखे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 4 चम्मच पानी का यूज़ किया है। पानी डालकर अब हम इन सभी मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह घी या कोई भी अनफ्लेवर या फ्लेवरफुल कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। हलवाई भी ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं। और अब हम इसमें सूखे गरम मसाले डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 टुकड़ा मिर्ची के, 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का, 1 इलायची और 2 से 3 लौंग डालेंगे। और गरम ऑयल में हम इन सभी को अच्छे से ऑयल में क्रैक होने देंगे, जिससे ऑयल में इन सभी मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसमें दरदरा कुटे हुए धनिया और जीरे का पाउडर डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 सेकेंड के लिए भून लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बना रहेगा और मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं और अच्छे से ये भून भी जाएंगे। और आप देख सकते हैं, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, जिससे अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। और आप देख सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसमें मसालों का बनाया हुआ पेस्ट डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट के साथ चलाते हुए मिला लेंगे और इसे भी हम ऑयल में अच्छे से पकने देंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे जल्दी पकेंगे। और आप देख सकते हैं, मसालों को हाई फ्लेम पे भूनते हुए 1 मिनट हुआ है और मसाले हमारे भुन गए हैं और मसाले तेल भी छोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मसालों का बहुत ही बढ़िया और हलवाई स्टाइल कलर आया है और ये मसाले हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। हमें इसे इतना ही भुनना है। और अब हम इसमें इस टाइम पे
एक आलू लेंगे, यहाँ मैंने मीडियम साइज का आलू लिया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम हाथ से ही मसलते हुए मसाले में डालेंगे और मसाले में डालकर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इस आलू को मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे आलू मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएंगे और मसालों में अच्छा सा थिकनेस और बाइंडिंग आएगा। और आप देख सकते हैं आलू डाल करके मसालों को भूनने से मसाले में बहुत ही बढ़िया थिकनेस आ गया है। और ये देखिए मसाले भी हमारे आलू के साथ अच्छे से भुन गए हैं और ये कढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। अगर इस टाइम पे मसाले अगर आपके कढ़ाई से चिपके तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए भून सकते हैं। और अब हम इसमें 4 चम्मच पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाते हुए फिर से हम अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं पानी डालकर इसे भूनने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और हम आलू को इस तरीके से हाथों से तोड़ करके डालेंगे। इस तरीके से हाथ से तोड़ करके आप इसमें आलू डालेंगे तो सब्जी हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल दिखेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे आलू को हाथ से मसलते हुए तोड़ लिया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे मसालों के साथ आलू को अच्छे से चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर आलू में अंदर तक आएगा और मसालों के साथ हमारी हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी एकदम फ्लेवरफुल बनेगी। एक बार आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप मोटे तले का कढ़ाई या बर्तन का यूज़ करें, जिससे सब्जी हमारी बिल्कुल ही बढ़िया पकेगी और ये जलेगी भी नहीं। और अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी का यूज़ किया है, आप चाहे तो गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी को इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें उबाल आने देंगे। और आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे ग्रेवी के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं आलू हमारे बहुत बढ़िया से पक गए हैं और इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। और अब हम इस टाइम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी से इसका फ्लेवर और बढ़िया आएगा। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया खटास का फ्लेवर आएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है। और आप देख सकते हैं हलवाई स्टाइल बिना टमाटर के, बिना प्याज लहसुन के भंडारे वाले आलू की सब्जी बिल्कुल इंस्टेंट और आसान विधि में बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए ये देखने में जितना ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है, खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल होता है। आप इस तरीके से अगर इस रेसिपी को बनाएंगे आपके साथ आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा और आप इसे पूरी या चपाती पराठा किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। तो जब भी आपको इस तरीके से भंडारे वाली सब्जी खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।